नमस्ते, राज रतन रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इसको वेज रायता। इसको रायता भी बोलते हैं और सैलड भी बोलते हैं, आप जैसा अच्छा समझे वो समझना। मेरी तरफ से ये रायता है, ठीक है। इस रायते में कई चीज़ डाल सकते हैं, जैसे टमाटर है, खीरा है, हरा धनिया है, प्याज है, और इसमें चकुंदर भी डल सकता है, ककड़ी भी डल सकती है, आपकी पसंद से जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आधा किलो दही लिया है। इसको, मेरी कमर में दर्द है, आज मैं बैठ के वीडियो बनाऊँगी, इसलिए मैं आप प्लीज़ आप मेरे इस पर थोड़ा सा वो रखना। ये देखिए, मैं इसे मैश कर इस तरह मिक्स कर रही हूँ, ड्राई से बना रही हूँ, और इसको मथनी भी बोलते हैं। इसको मथनी के साथ साथ इसको इस तरह करके मैं इसमें सामान ये डालूँगी, इस तरह। ये मैंने इस तरह कंटेंट बन गया है। इसमें मैं क्या क्या डालूँगी आपको दिखाती हूँ। ये इसमें डाल ली हूँ मैं टमाटर, दो टमाटर हैं छोटे छोटे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ, ये टमाटर चॉप करके डाला है, खीरा भी मैं चॉप करके डाल रही हूँ। इसमें आप हरी मिर्च भी छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो नहीं खा पाएगा कटी हुई हरी मिर्च को, इसलिए मैं ये डाल नहीं रही हूँ। इसमें डालती हूँ मैं फिर प्याज छोटा छोटा चॉप करके। आप चाहें तो एक मशीन आती है जो चॉप करने वाली, उसमें आप चॉप कर सकते हो। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं डालने वाला नहीं होता, इसलिए बहुत इजी और बहुत सिंपल होता है ये। ये भुना हुआ जीरा है, ये भुना हुआ जीरा है आपके लिए। और ये काला नमक डाल लो, या आप इसमें वाइट नमक डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। आप स्वाद अनुसार डालना है। उसके बाद आपको नमक हो गया, और इसमें स्वाद अनुसार इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डालती हूँ पहले। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, काले नमक का बहुत टेस्टी लगता है। इसमें डालते हैं फिर हम इसमें गरम करा हुआ तेल, एक चम्मच डालो या दो चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा इसमें तेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटी स्पून है, ये दो चम्मच इसमें ये डाल रही हूँ, बस ये ही डालना है। उसके बाद हम इसको मिला लेते हैं इस तरह। ये बहुत टेस्टी होता है, आप बिरयानी के साथ खा सकते हो, आप पुलाव के साथ, मटर के पुलाव के साथ खा सकते हो, आप इसे चिकन के साथ खा सकते हो, आप जिसके साथ, आप खाली रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो। देखिए आप इतना अच्छा, ये झटपट बनने वाला है सैलड है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सजा के दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च, इसके अंदर लाल मिर्च जाएगा थोड़ा सा सजाने के लिए। उसके बाद ये हरा धनिया। मेरा सैलड झटपट तैयार हो चुका है, देखिए अच्छा सैलड बना है। इसमें यही है कि बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता है, इसमें सैलड भी आ जाती है। बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम खाने को देते हैं, बच्चों को नहीं खा पाते हैं, तो आप दही के साथ बच्चा खा लेता है। तो इसमें आप कुछ भी, जैसे चकुंदर है, ककड़ी है, और हमने चार चीज़ हमने इसमें डाली है, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, और बड़े को तो बहुत ही पसंद आता है। मैंने बताया जैसे बिरयानी के साथ है, पराठे के साथ है, और किसी भी चीज़ के साथ आप आलू के चावल है, बिरयानी कहते हो, बहुत टेस्टी और झटपट बनने वाला रायता, और इसको सैलड भी कहते हैं। आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं, और बनाओगे एक बार ही बना के देखेंगे तो टेस्टी लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप ज़रूर बनाना, छोड़ना मत, चाहे एक बार थोड़ा सा बना के देखना, ज़रूर बनाना। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि आप मेरी
हौसला बढ़ाओ और शेयर करो आप दोस्तों में। हौसला बढ़ेगा तो मेरा मन करेगा मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय 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 बाय, गुड लक।